हमारे साथ हैं जी आज राजा जबीर साहब बुरगांव की मशहूर शख्सियत हमारे साथ हैं। थैंक यू सर। तारक साहब हमारे साथ हैं, मुनव्वर गोंदा साहब। जुमे का दिन है जी तो इकट्ठे हुए एक दो चीजें। राजा साहब आपको माशाल्लाह इधर पंजाबी का कितना अर्सा हो गया था अमरीका? मेरा ख्याल काफी अर्सा हो गया, 35-35 साल हो गए। 35 साल हो गए तो दुआ नंबर इतना सारे हालात तक अप डाउन होने दुआ त्रिया तो लोगों क्या एक अच्छा जहा मैसेज देना चाहे फैमिली कोई? मैं कहना जी अल्लाह ताला सारे नु तौफीक दे, अल्लाह ताला सब नु तौफीक दे तो सारे आपस च इत्तेफाक रखन। इज्जत इसे ही है सारे पाकिस्तानी सारे भैन भरा सारे दोस्त कट्ठे हो गए अपनी जनाब कोई मसले मसाल हो आपस में बैठ के मसले मसाल हल कर बजाय एक दूसरे की असं जनाब सत्ता पुछिए सिस्टम नहीं हो सकिया ना ही बच्चों की तालीम का दुआ त्रिया अज असा मस्जिद जुमा पढ़िया 99% बुजुर्ग ऐसे जिन्हें कलमा तेबा भी नहीं आना। मैं पिछले दफा मां साहब क्या है मैं प्लीज थोड़ा जहां गुस्सा तरीका दसिया करो क्या यह चीजा होनी चाहिए मस्जिद लोगों की दीनदारी दसनी चाहिए है कहानियां दसा बचपन तो सुनने सुनने आए हैं कहानियां जड़ियां शुरू बचपन तो सुनने कितने सारे बुजुर्ग ऐसे फोत हो गए जिन्हें सही तरह कलमा भी नहीं आया जिन्हें गुस्सा तरीका भी नहीं आया क्या यह चीजा होनी चाहिए ना सारे माशरे इसे प्रोग्राम होना चाहिए। गल कर रहे हैं कि अगर असं सब इतफाक हो सारा काम उन्हें इतफाक इतफाक हो मसले मसायल भी ही अस बैठते हल कर कोई दस आए उन्होंने जनाब समझिए अगर कोई समझाना है ये समझना है कि वो अपना कहीं होना नहीं बोल सब सी क्या कहें बच्चे ने जरा अच्छा मेन मसला इसलिए कुरान पाक का लोगों बिजनेस बना लिया कुरान पाक बनाने के लोग कितने ना अपने बच्चे की दीनी तालीम नहीं दे सकने क्या हाल है क्योंकि $100 चार्ज करे नहीं फ्री बच्चे कुरान पाक बनाने ना क्या क्या सिस्टम ऐसा होना चाहिए ना जैसा बच्चे फ्री तालीम दी जाए कुरान पाक पढ़ाया जाए नहीं ऐसा सिस्टम होना चाहिए इंशाल्लाह क्या ख्याल है फ्री तालीम बच्चन देनी चाहिए। दूआ नंबर है जो लोगों को बदजन कर दे लोगों का डब्बा करके मेरे ना मैं क्या गल कर सकता मेरे राजा जमीर साहब दोस्त बैठे मेरी तौफीक नहीं है एक बंदे के डब्बा आंसो ये तो उसकी शर्मिंदा कर रहे हो दोस्तों ने सामने ये चीज एक शर्मनाक चीज है या नहीं असं किसी चीज में एक टारगेट नहीं कर रहे एक ओवरऑल गल है देखो एक मस्जिद कोई भी गल होना चाहिए जिसकी तौफीक है जो था बंदा अपनी तौफीक ना पा रहा डब्बा खड़े नहीं है किसी नहीं रस्म है ये चीज भाई सब कोई गल कहना चाहे हो अच्छा चलो जी ये हमारे साथ आज मीर साहब थे अभी मैं और लोगों का इंशाल्लाह इंटरव्यू लेके इसमें ऐड करूंगा की वाचिंग की क्रिएटिव भी रुकना जी अस्सलाम वालेकुम।